रिसर्च से भी हरी झंडी मिल गई है। अब यह कोरोना जांच किट जल्द ही खुले बाजार में उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किट को लॉन्च किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस वजन को, उन शब्दों को मेरे IIT तमाम IITs ने बहुत कम समय में और जुनून के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए एक कदम, ठोस कदम जो मेरे IIT ने उठाया है, मैं इस पूरी टीम को बात पूरे देश की ओर से मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च में IIT सिस्टम की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है। IIT सिस्टम ने शुरू से ही मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन को काफी प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ IIT ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ावा दिया है। IIT दिल्ली के मुताबिक इस कोरोना जांच किट को बाजार में लाने से पहले कई प्रकार के ठोस परीक्षण किए गए हैं। इन सभी परीक्षणों में यह कोरोना जांच किट पूरी तरह से खरी उतरी है। इसके नतीजे 100% सही पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना जांच सस्ती होने के साथ साथ इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर CBI द्वारा तत्कालीन जांच हो। और जो 10 कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इट इज इंडीड एन अपॉर्चून मोमेंट टू रिमेंबर ए रिमार्केबल रूलर, द आइडियल किंग एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर हु बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। द मोमेंट यू हियर, यू रीड अबाउट मैसूर, you will become pleasant because of the culture, heritage, traditions, art, literature, administration, what not. Mysore is famous for all these qualities. Singh डोटासरा, महेश जोशी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OST लोकेश शर्मा के खिलाफ भाजपा और उसके नेताओं की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। भाजपा ने कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ मानहानि और अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।